नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं 16 से 22 दिसंबर के बीच का साप्ताहिक राशिफल, और यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगा। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से इस राशिफल को देख सकते हैं। हर सप्ताह कुछ ना कुछ शुभ लेकर आता है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लेकर आता है, कुछ ना कुछ मौके लेकर आता है। हम उन्हीं सभी मौकों के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आप ये जान पाएंगे कि इस सप्ताह में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्या बेहतर होने वाला है, आपकी शिक्षा कैसी होगी, परिवार कैसा होगा, घर कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, व्यापार कैसा होगा, आमदनी कैसी होगी, खुशियाँ कैसी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, बच्चों का सुख कितना होगा। ये सारी चर्चाएं हम करेंगे अगले 7 दिनों के लिए, ताकि आप अगले 7 दिनों को समझ जाएं और उसको सही तरीके से बिताकर संपूर्ण लाभ ले सकें। बहुत जल्द हम लोग साल 2022 में प्रवेश करने वाले हैं। साल 2022 से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो चैनल पर धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं, आप उन्हें देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल से जुड़ें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं 16 से 22 दिसंबर 2021 का राशिफल। ये तीसरा सप्ताह होगा दिसंबर माह का, और क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे हम बताएंगे। इस सप्ताह में अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। और ये जो गणनाएं हैं, पहले हम आपको एक पूरा विस्तार में बताएंगे, फिर उसके बाद एक एक दिन की बात करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो आप हर एक दिन को भली भांति प्रकार से समझ जाएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। हम बात करेंगे मकर राशि की। सप्ताह की शुरुआत की अवधि में आपको मानसिक स्थिति में प्रसन्नता और माता की सेहत का ध्यान और घरेलू मुद्दों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक स्थिति बिगड़ी, माता की सेहत में भी सावधान रहना होगा। घरेलू कलह कलेश और घरेलू मामले परेशान करेंगे। घर के रख रखाव को लेकर वाहनों से संबंधित चिंता बनी रहेगी। आपके काम पर आपका मन नहीं लगेगा, खर्चे बढ़ेंगे, काम रुकेंगे, चिंताएं और बढ़ेंगी। साथ ही साथ बच्चों से संबंधित चिंताएं भी आपको परेशान करेंगी। सप्ताह का मध्य भाग संतान से जुड़े तनावों में राहत देगा। शेयर बाजार से हानि की संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह योजनाओं को स्थगित करते हैं, जिन योजनाओं के बारे में आप पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं, आधी अधूरी योजनाओं में मत हाथ अड़ाइएगा, और यही बेहतर रहेगा कि काम ना करें। आप अपनी योजनाओं को आरंभ करने के लिए अच्छे निवेशकों को नहीं पा पाएंगे, गलत जगह पर निवेश कर देंगे, या आपकी योजनाओं में ही कोई गड़बड़ी होगी जिसको आप अपने दिमाग से नहीं पकड़ पा रहे होंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप किसी सलाहकार की सलाह लें। आप सभी मुद्दों का समाधान निकालने में सफल तो रहेंगे, लेकिन आपकी सफलता उच्च स्तर की नहीं होगी जिससे आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए। तो आप किसी व्यक्ति की सलाह जरूर लें जो समझदार हो। मनपसंद स्थान पर यात्रा करने से आपका मन खुश हो सकता है। कुछ दो चार बातें ऐसी जरूर होंगी सप्ताह में जो आपके मन के अनुसार होंगी, जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। बात करेंगे 16 दिसंबर का दिन कैसा बीतने वाला है। आपको अपनी माता जी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उनकी सेहत बिगड़ सकती है। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हो, आज का दिन शुभ है, लेकिन आपसे गलत फैसले हो सकते हैं। आप आज घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्चे करेंगे, लेकिन खर्चे जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं, और पिकनिक, मौज मस्ती, घूमने फिरने में जरूरत से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी से रिश्ते बढ़िया रहेंगे, लेकिन घर के अन्य सदस्यों से तनाव रह सकता है। घर में कुछ अतिरिक्त निर्माण, घर को सजाने या घर को ठीक करने के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं, और पारिवारिक उत्सव में जाकर आप लोगों से कुछ बहसबाजी कर सकते हैं, जिससे मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। सावधान रहिएगा 16 दिसंबर को। 17 दिसंबर की बात करें तो बच्चों की विद्या प्राप्ति के लिए शेष दिन है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास से करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे। व्यापारी लोग अपने व्यापार की उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जाएंगे। खिलाड़ी लोग अपने खेल में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे, सम्मान या पदक प्राप्त करेंगे। दिन थोड़ा सा बेहतर होगा।
18 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्य का रहेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा। आप शेयर मार्केट सट्टे में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। धीमे धीमे स्थिति कंट्रोल में आएगी, शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ है बस। 19 दिसंबर की बात करें तो संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त रहेंगे, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का मौका मिलेगा। व्यापारी लोग अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। जीवन साथी से संबंध ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आपके संबंधों में आग लगा सकता है, उससे बचने की कोशिश करिएगा। बात करेंगे 20 दिसंबर की तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जाएंगे। खिलाड़ी लोग अपने खेल में श्रेष्ठतम प्रदर्शन से सम्मान और पदक प्राप्त करेंगे। अच्छा दिन रहेगा। 21 दिसंबर की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए फिर से बढ़िया दिन है। प्रेमी युगल जोड़ों के लिए बढ़िया दिन है। प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, दो दिलों में फिर से मोहब्बत के फूल खिलेंगे। व्यापारी लोग अपने व्यापार से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में है तो दिन सामान्य, सट्टेबाजी में निवेश करना शुभ नहीं है। आज का दिन ठीक है, लेकिन आपका वाहन खराब हो सकता है या वाहन के रख रखाव में दिक्कत हो सकती है, चोरी हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो वाहन से जुड़ी हुई हो और वहां पर नुकसान हो जाए। आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन चिंताएं होंगी। बात करें 22 दिसंबर की तो आज का दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए अच्छा है। आपको निश्चित रूप से साथ और सहयोग मिलेगा। रोमांटिक मूड में होंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारी लोग नए साझेदार की तलाश में जुड़ सकते हैं। मन में खुशियां और प्रसन्नता के बीज बोए जाएंगे। पूंजी को बढ़ाने का दिन श्रेष्ठ है। सट्टेबाजी में निवेश करने का दिन शुभ नहीं है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खाने पीने के मामले में बहुत सावधानी रखिएगा। रोजाना नियमित व्यायाम करते रहिएगा। महिलाओं से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उससे बचिएगा। तो ये सप्ताह कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जहां पर आपकी वाहन से दुर्घटना या वाहन की दुर्घटना या वाहन का चोरी होना या वाहन में कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाए जिसमें मोटा पैसा खर्च हो जाए, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। या आप उन चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करते जिनकी जरूरत नहीं है, या आपसे कोई गड़बड़ी हो जाए, या आप किसी को देना था 10,000 दे बैठे गलती से 20,000, या लेना था 1,00,000 और ले लिया 90,000, ऐसी दुर्घटनाएं या ऐसी नुकसान की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो समझदारी से काम लीजिएगा इस सप्ताह में, नहीं तो घाटा खा जाएंगे। हनुमान जी की उपासना और शिव जी की उपासना करिएगा। शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम होगा हनुमान जी की उपासना करने से। पीपल के वृक्ष की सेवा करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो फिर उसको सुधारने के लिए अपनी जन्म कुंडली की जाँच जरूर कराएं ताकि आपको सही रिजल्ट मिल पाए। गोचर में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है और आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अशुभ वक्त भी शुभ बन जाता है जब ग्रह बिल्कुल पटरी पर हों। तो उम्मीद करता हूं आपके जीवन में खुशियां आती रहे और आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि कुछ काम आप अभी करेंगे और उसके रिजल्ट 2022 में भी आपको प्राप्त होंगे। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और गलतियां मत करिए। हरिओम, नमस्कार।